जैसे जैसे मेगा ऑक्शन पास आएगा ना, मार्केट में ड्रामेबाजी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग आपको रिपोर्ट देंगे दैट आरसीबी इज इन टॉक्स विद दिस फ्रेंचाइजी फॉर दिस प्लेयर। सीएसके ने मैनेजमेंट के साथ प्लान्स बनाना शुरू कर दिया है इस प्लेयर को खरीदने के लिए। ऐसे रिपोर्ट्स आएंगे, ठीक है। एक पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज आप दिमाग पर बैठा लेना, आप अगर मेरी बात मानते हो ना, एक चीज मान लेना कि कौन सी टीम किस प्लेयर को रिटेन करेगी, रिलीज करेगी, ये सिर्फ उस टीम के ओनर को, टीम के मैनेजमेंट को और उस टीम के जो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स होते हैं ना, उन्हें पता हो सकता है। इसके अलावा जो टीम के प्लेयर्स होते हैं ना, उन्हें भी घंटा पता नहीं होता कि टीम किसे रिटेन करेगी, किसे रिलीज करेगी। फिर आपने कैसे मान लिया कि ये जो बाहर बैठे हैं इन्हें पता होगा? कुछ पता नहीं, ये सिर्फ स्पेकुलेशंस पे गेम चलाते हैं। अब आरसीबी को विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए दिनेश कार्तिक के बाद, तो भैया केएल राहुल का नाम ऐड कर दूंगा, ईशान किशन का नाम ऐड कर दूंगा, ऋषभ पंत का नाम ऐड कर दूंगा। भैया इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, जैसे जैसे आरसीबी के जर्सी में ये लोग देखेंगे ना भाई, व्यूज आएंगे मेरे वीडियोज में, ठीक है। तो स्पेकुलेशंस है, विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो पिछले जितने भी मेगा ऑक्शन है ना, अब देख लो इनके वीडियोज, ठीक है। वो पहले भी ऐसे गंद मचा रहे थे, ठीक है। जब सामने आएगी ना रिटेंशन की लिस्ट, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो ये कह रहा था, ये तो ये कह रहा था, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, पहले भी ऐसा होता है, हर बार मेगा ऑक्शन से पहले ऐसा होता है, ऑक्शन से पहले ऐसा होता है, इस बार भी हो रहा है, ठीक है। ज्यादा हाइप क्रिएट करने की किसी न्यूज को लेकर जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत बातें हो गई, अब बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, कि आईपीएल मेगा ऑक्शन के जो रूल्स है वो कब अनाउंस होंगे। तो इस महीने की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि 5 सेप्टेंबर तक रूल्स आ जाएंगे, 5 सेप्टेंबर तक नहीं आए। फिर मैंने कहा कि एक हफ्ता और वेट कीजिए, उसमें भी रूल्स नहीं आए। तो ऐसा नहीं था कि मैंने आपको गलत रिपोर्ट दी थी, मैंने आपको सही रिपोर्ट दी थी, लेकिन मैटर ये था कि इस महीने बीसीसीआई का ना बहुत सारा काम था, ठीक है। आप देखिए, दुलीप ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस करना, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज उसका स्क्वाड अनाउंस करना, जय शाह वो तो चेयरमैन नियुक्त हो गए, ठीक है। अभी देखिए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज उसका स्क्वाड अनाउंस करना, वो भी जल्दी आएगी, ठीक है। ईरानी कप उसका भी स्क्वाड अनाउंस करना था, वो तो आ गई, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए बीच में चैंपियंस ट्रॉफी की बातें चल रही थी, उसका काम, ठीक है। और बीच बीच में ये जो आईपीएल के रिटेंशन पॉलिसीज है ना, इसे भी लेकर डिस्कशन चल रहे थे, बीच में कई सारे मैटर को लेकर मुद्दा फंसा, ठीक है, वहां पे भी डिस्कशन हुई। और इसी कारण से क्या है ना कि अभी समय लग रहा है, लेकिन वो डेट पास आ गई है जब रिटेंशन के रूल्स सच में अनाउंस होंगे। तो कब अनाउंस होंगे रिटेंशन के रूल्स? देखिए इस महीने में मोस्ट लाइकली, इस महीने में मोस्ट लाइकली अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे एक अगर फिक्स डेट चाहोगे कि भैया एक डेट दे दो जिसके आसपास रूल्स अनाउंस हो सकते हैं, तो देखिए 29 सितंबर को एजीएम है बीसीसीआई की, यानी एनुअल जनरल मीटिंग है। तो उम्मीद की जा रही है कि 29 तारीख को जो रिटेंशन के पॉलिसीज है उससे अनाउंस किया जाएगा। 29 सितंबर वो एक इंपॉर्टेंट डेट है, उसी तारीख को हो सकती है 29 सितंबर को, या फिर उससे एक दिन बाद या फिर एक दिन पहले हो सकती है 28 या फिर 30 को हो सकती है रूल्स अनाउंसमेंट आईपीएल मेगा ऑक्शन को लेकर।